नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जाना। ये शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। ताजपुर प्रखंड के आधारपुर पंचायत के पंचायत भवन के परिसर में कृषि विभाग के सौजन्य से किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पैक्स अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार धीरज की, जबकि मुख्य अतिथि मुखिया विश्वनाथ राय थे। कार्यक्रम को संबोधन करते हुए कृषि समन्वयक हरिदर्शन चौधरी ने जल जीवन हरियाली योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, समेकित कृषि प्रणाली, मिट्टी जांच इत्यादि विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। पंकज कुमार कृषि समन्वयक ने उपस्थित किसानों को जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए जल को संचयन करने हेतु विभिन्न तरह के उपाय जैसे जीरो टिलेज से खेती, मशरूम की खेती, सहजन खेती, मॉल्चिंग और ड्रिप स्प्रिंकलर से सिंचाई, जैविक खेती इत्यादि पर किसानों को प्रशिक्षित किया। पंकज कुमार का कहना है कि जल है तो जीवन है और जल का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम लोग अभी से जल संचयन का कार्य विभिन्न तरीकों से करना शुरू कर दें, क्योंकि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा और इसके लिए सभी से ही सजग और जागरूक होने की बात कही है। कार्यक्रम का संचालन किसान सलाहकार अवधेश कुमार सिंह ने किया है और धन्यवाद ज्ञापन सुजीत कुमार वर्मा कृषि समन्वयक के द्वारा किया गया। 90% सब्सिडी है, एक बैग को 6 रुपया पड़ेगा, वो 6 रुपया पड़े, आप लोग उसको जो है तो आप दीजिए और मशरूम की खेती करना है। अभी इसके बाद हम लोग बात करें पॉली हाउस का, पॉली हाउस पे पॉली हाउस गंदी बैग आता है, लीनो बैग एक आता है, तो लीनो बैग से हम लोग बात करें, वो जो आप देखते हैं जो जो पेस्ट है चिड़िया है ऑक्सीजन प्लांट है, जो जो चीज जो सब्जी जो फूल की भी खेती करते हैं, अभी जिस चीज का सीजन नहीं है वो चीज की खेती हम लोग पॉली हाउस में जाके करते हैं। तो पॉली हाउस पे 500 स्क्वायर मीटर पर आपको बनाना है, 935 रुपया मतलब 500 स्क्वायर मीटर में अगर 935 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 4,67,500 रुपया हो जाता है। मतलब इतना आपको जो है सो क्या पड़ेगा, कॉस्ट पड़ेगा। और इस पे जो सब्सिडी अगर हम लोग ये 75% सब्सिडी है, 935 रुपया उसका दाम पड़ेगा।